गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज का हमारा टॉपिक है ओरिगेमी फ्लावर्स, यूज़ ऑफ सम पेपर, कलर पेपर एंड कलर्स। सो उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। पहले हमें चाहिए एक A4 साइज़ पेपर, वाइट कलर। इफ़ यू हैव नॉट वाइट कलर सो आप कोई भी कलर का पेपर ले सकते हैं। और एक मैंने इसके लिए ब्रश लिया है और मैंने यहाँ पे पोस्टर कलर्स लिए हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड रेड। आपके पास आप पोस्टर कलर नहीं है, आप क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो या कोई भी टाइप का कलर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने ये येलो कलर लिया है, इसको यहाँ नीचे हम ऐसे स्प्रेड करेंगे। रेड और थोड़ा मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर लिया है, दोनों को हम ऐसे मिक्स करते हुए स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ क्रेयॉन्स कलर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको इजी हो, जो अवेलेबल हो आपके पास कलर, यू कैन यूज़ दैट कलर। ये देखिए मैंने अभी ऐसे यहाँ पे कलर ऐसे येलो एंड ग्रीन को मिक्स करके ऐसे कर दिया है। अब हम इसके लिए अभी मैं इसके फ्लावर के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें पेपर से इस ये अभी गीला है, इसको हमें 2 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर से फ्लावर हमें कैसे बनाना है। तब तक सूख जाएगा, इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने यहाँ पे 3 कलर्स के पेपर लिए हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है, आप कोई भी वाइट पेपर या कोई भी टाइप का आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वाइट पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी उसमें कलरफुल करने के लिए उसको आप कलर यूज़ कर सकते हैं। कैसे हम ये मैंने यहाँ पे रेड कलर का स्क्वायर पेपर लिया है, ये मेरे पास स्क्वायर पेपर है। साइज़ आप अपने हिसाब से, जितना बड़ा आपको फ्लावर चाहिए आप अपने हिसाब से साइज़ ले सकते हैं। मैंने ये छोटा ही लिया है स्क्वायर पेपर। ये ऐसे इसको हम पकड़ेंगे इधर ऐसे डायमंड शेप में, डायमंड शेप में हम इसको ले लेंगे और हम इसको डायमंड शेप में ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ट्राइंगल शेप में। अभी आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल शेप में आ गया है। अब इसको हम नीचे रखेंगे ऐसे, और जो ये ट्राइंगल नीचे की तरफ है इसको हम अप साइड में फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। सो ये शेप हमारी ऐसे आ गई है। ये ऐसे ट्राइंगल था, इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ, ये हमारा ट्राइंगल था ऐसे, इसको हमने ऊपर की तरफ ही ऐसे फोल्ड कर दिया। तो ये शेप हमारी ऐसे आ गई है। अब हमें ये फ्लावर बनाना है, तो ये जो हमने जिधर से हमने इसको ऊपर किया है वहीं से ये हम सेंटर पकड़ेंगे और साइड से दोनों कॉर्नर्स को सेंटर से पकड़ के अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे लाइक दिस। ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। मैं दूसरा बताती हूँ अभी आपको, ये ब्लू कलर है, इसको भी हम ऐसे ही सेम डायमंड शेप में लेंगे, फिर ऐसे ट्राइंगल से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। देन हम ट्राइंगल को भी, ट्राइंगल शेप आ गई हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ। अब हम इसको ऐसे, ये जो ट्राइंगल शेप नीचे है कोना, इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम सेंटर से पकड़ेंगे, सेंटर से पकड़ के अंदर की तरफ दोनों जो साइड्स हैं उनको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, ताकि हमारा फ्लावर सेम साइज़ का बने। ये देखिए मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया है। अभी आपको समझ आया होगा कि कैसे बन रहा है ये फ्लावर। ये मैंने यहाँ येलो कलर लिया है, मैं वापस से आपको बताती हूँ कैसे करना है। इसको वैसे ही हम ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे। देन ये ट्राइंगल को, जैसे ही ये नीचे की तरफ ट्राइंगल है ऐसे मैंने इसको पकड़ा है, ऐसे ही इसको अप साइड में ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। और ये जो दोनों साइड्स हैं यहाँ सेंटर से पकड़ के इनको इसी ट्राइंगल, जिधर हमने ट्राइंगल को फोल्ड किया है वहीं से उसी अंदर की तरफ हम ये येलो वाले ऐसे दोनों साइड्स को हम इनको ऊपर की तरफ ऐसे
फोल्ड करेंगे सेंटर से पकड़ के, तो ये हमारा ऐसे फ्लावर आ जाएगा। तो हमने ये फ्लावर बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे, अभी हमारा कलर सूख गया है, अब हम इधर स्टेम बनाएंगे फ्लावर के लिए और फिर फ्लावर उसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ डार्क ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने 3 फ्लावर बनाए, तो मैं 3 स्टेम्स बना रही हूँ। लाइक दिस ऐसे बना लिया है हमने कलर से। आप इसको क्रियोन्स कलर से भी बना सकते हो, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन आप उसको क्रियोन कलर्स उसके अंदर कर सकते हैं। लाइक दिस मैंने ऐसे किया है। अभी इनको जो ये नीचे वाले हैं, इन 3 पे हम वो पेपर फ्लावर्स लगाएंगे, जो बड़े वाले स्टेम्स हैं, जो छोटे वाले हैं इनको हम फिंगर से इम्प्रेशन देके भी हम रेड कलर के इससे इम्प्रेशन देके फिंगर इम्प्रेशन से हम इसमें फ्लावर बनाएंगे ऐसे। इस टाइप से आप इसमें कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इधर रेड कलर यूज़ किया है। लुक लाइक दिस। अभी मैं इसके ऊपर यहाँ पे जो हमने अपने पेपर फ्लावर्स बनाए हैं उनको मैं यहाँ पे फेविकोल से पेस्ट करूँगी। ऐसे करके यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया फ्लावर्स को स्टेम के ऊपर। अभी ये जो साइड्स वाले हैं आपकी मर्जी है, आप इसको पेस्ट करना चाहो पेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। थोड़ा फेविकोल इधर लगा के हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे तो हमारे फ्लावर ऐसे नीचे सेट हो जाए। ये देखिए नाउ इट्स लुक लाइक दिस, इट्स लाइक अ पेंटिंग। तो ये बहुत ही सिंपल ओरिगेमी फ्लावर था, हमने इसमें पेपर भी यूज़ किया और हमने इसमें थोड़ा कलर भी यूज़ किया। आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई भी टाइप के कलर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये पेंटिंग, ये फ्लावर हमने कैसे बनाए। तो आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा, आप इसको ईजीली बना पाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रंस।